हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहा है और अभी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ वॉक करके, मॉर्निंग वॉक करके जो है टहल करके आ गया हूँ सरे की तरफ से। अभी दोस्तों चलते हैं, माल सबको सरियाते हैं तो उधर को उतारते हैं, इसको भी साइड कर देते हैं, उधर साइड कर दिया। अभी चलते हैं दोस्तों, इस कैरेट का माल को पहले सरिया लेते हैं, जो जो आइटम कम है उसको डाल करके अच्छे से रेडी कर लेते हैं इसको, उसके बाद में झोला को रेडी करेंगे और फिर ये गमछा है देख सकते हैं इसको सरियाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबको सरिया वरिया करके और फिर मिलते हैं। अभी 6 बज रहा है, देखते हैं कितना बजे तक पूरा रेडी होता है। फाइनली दोस्तों हमने सारे माल को सरिया लिया, पूरी तरह से जो है ना कैरेट का माल भी भरपूर हो गया है और अच्छे से सरिया लिया, और दे सकते हैं झोरा में का भी हो गया, गमछा भी सरिया लिया। और दोस्तों गमछा काटने के लिए चाकू नहीं है, तो दे सकते हैं दाब का इस्तेमाल किया है, चाकू नहीं है चाकू से काटते हैं, कैंची नहीं है तो चाकू से काटते हैं, चाकू नहीं है तो इससे काटें, इसलिए एक ही चौका काटे हैं, या चार चौका तो बाद में काटेंगे, काम के लिए हो गया। तो चलिए सब सरिया लिए हुए हैं, इतना हमारा कपड़ा गया है, इसको जो है ना इससे ढक देते हैं क्योंकि रोड पर वायर चलता है ना गाड़ी, तो गर्दा उड़ता है तो पड़ता है, तो इससे ढक देते हैं और ढक करके ढक देंगे। और इसके बाद में भी चलते हैं, देख सकते हैं बाहर का भी 7:45 हो गया है, सरियाते सरियाते धूप आ गया है। अभी चलते हैं दोस्तों, भैंस का पानी पिया देते हैं, भैंस का पानी का, उसके बाद में स्नान करेंगे। फाइनली दोस्तों अभी स्नान स्नान करके रेडी हो चुका हूँ और कपड़ा वपड़ा पहन करके पूजा वूजा सारा कर लिया। और दोस्तों अभी चलते हैं खाना खाते हैं, आज घर पर कोई नहीं है, माई सरे में चली गई है और भगलू है, भगलू का परिवार है और साथ ही साथ मेरे पिताजी हैं, सारे को जो है ना मेरे भगनी की शादी है तो वहाँ गई हुई है बहन के यहाँ, और मेरे वाइफ जो है वहाँ पर अपना मायके है तो कोई नहीं है, और मैं अभी अकेला हूँ तो नहा वहाँ के मैं फिटिंग हो चुका हूँ। वही चलते दोस्तों निकालते हैं, माँ मेरी खाना बना करके चली गई है सरे में खेत में, और अभी चलते हैं। इधर खाना रखे हुए हैं ढक के, तो निकाल लेते हैं इस थाली में। तो दोस्तों निकाल लिए अभी और चलिए चलते हैं खाते हैं, बाहर लेकर चलते हैं, यहीं पे रख लेते हैं और खाते हैं। दोस्तों घीरा का सब्जी है, चावल है और भिंडी का थोड़ा सा सब्जी लिया हूँ। तो दोस्तों खा लेते हैं, खाओ करके सामान लोड करेंगे और फिर चलेंगे। दोस्तों 8:30 हो गया है तो लगभग 9 बजे के आसपास से चलेंगे, 9 बजे से चलेंगे फेरी पर। चलिए खाना खा लेते हैं। खाली दोस्तों अभी हमने सारा कुछ लोड कर लिया हूँ गाड़ी पर, देख सकते हैं। और दोस्तों गमछा लोड करना है तो गमछा लोड कर लेते हैं, और 9 बज गया है टाइम। तो दोस्तों पूरी तरह से लोड हो चुका है गमछा वमछा सारा, और अभी चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हवा थोड़ा सा चल रहा है फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी। चलिए चलते हैं, मोबाइल कम चार्ज है इसके लिए वायर ले लिए है केबल। फाइनली दोस्तों अभी हमने अपना गांव से भी या घर से भी निकल चुका हूँ, 9:15 होने वाला है। और दोस्तों अभी तक बोनी नहीं हुआ है, कल हो गया था अपना गाँव में ही, लेकिन आज अभी बोनी नहीं हुआ है, देखते हैं आज कितना का सेल होता है पूरे दिन में। दोस्तों फर्स्ट बोनी होने के बाद फिर मिलते हैं। दोस्तों काफ़ी गर्मी है और दोस्तों अभी 11:30 हो गया है और हमारा बोनी हो चुका है पिछला वाला गांव में, 2 घंटा समय लगा है इसी गांव में, 1.5 घंटा, और सेल की बात करें तो वही 650 का सेल हुआ है, 650 का सेल हुआ है। और अभी चलते हैं, मोल भाव बहुत ज़्यादा करता है, उधार नहीं लगा रहे थे फिर भी पुराना उधार नहीं मिला है, 60 रुपये उधार नया लग गया, नहीं करते। चलिए अब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अब तो लग गया, चलिए अब उधार मिला भी नहीं, 700 रुपये यहाँ पे बाकी था, उधार मिला 1 भी रुपया नहीं, लग गया 60 रुपये नया। तो चलते हैं अगला गांव घूमते हैं, बेदौल मदन छपरा। दोस्तों टाइम अभी 12:30 हो चुका है और अभी मैं बेदौल गांव घूम लिया, बेदौल गाँव में लगभग 500 का बिक्री हुआ है, और अभी मैं चलता हूँ मदन छपरा में, मदन छपरा घूम के फिर मिलते हैं। और दोस्तों अभी मैं सबसे ऊँचा जगह पर हूँ, पुल है, चारों तरफ का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं सबसे ऊंचा पुल है, देख सकते हैं किस तरह का व्यू है। तो चलिए अभी मदन छपरा घूम के और फिर मिलते हैं।
दोस्तों मदन छपरा बेदौल और बसंत पट्टी तीन गांव घूमते घूमते लगभग कितना 12 बजे से और अभी 7 बज चुका है। अभी दोस्तों बसंत पट्टी गांव में ही घूम रहा था तो अभी चलते हैं। अभी अंधेरा होने वाला है, बेड उठ चुका है तो अभी चलते हैं दोस्तों सीधे घर पे। और दोस्तों आज भी सेल मस्त हुआ है तो अभी दोस्तों अंधेरा होने ही वाला है तो चलते हैं मिलते हैं घर पे। हाँ जी दोस्तों, अभी आ गया घर और टाइम दोस्तों हो गया है 7:45 से ज़्यादा हो गया है। और दोस्तों सामान उतारा उतना ही देर में, पसीने से पूरा पसीना पसीना हो गया। तो अभी मैं गाड़ी ऊपर लगा दिया हूँ, देख सकते हैं माल भी ऊपर रख दिया और चलते हैं दोस्तों अच्छे से। मुँह हाथ फ्रेश हो जाते हैं धो करके और गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा सा हवा खाते हैं